मारी हिया पधारेगा हम कल्पना नहीं किया था। बचवा, तुमको ऊपर पहुंचाने के लिए इतने लोग भेजे, लेकिन तुमको डर नहीं लगा? डर तो बहुत लग रहा था। सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। लेकिन तेरे से नहीं तो खुद से। अपना बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया? तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। बिना तकलीफ के हम यहाँ नहीं पहुंचे। ए, अपन लोगों का टाइम खोटी मत कर, सलूशन बता। चेन्नई हिंदुस्तान के नारकोटिक्स का राजधानी बन चुका है। केनिया से माल सीधा यहाँ आता था। अपना बिजनेस हमारी सेहत की तरह बिना किसी झंझट के फल फूल रहा था। तभी केनियन गैंग के लोकल लोग डील में हमारा प्रॉफिट कम करके बिजनेस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उनकी बदलती हुई हरकतों की वजह से कस्टम वाले अलर्ट हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को मारना शुरू कर दिया जो पुलिस की नजर में आ गए थे, और हमको धंधे से निकाल दिया। इसीलिए उनका खात्मा जरूरी है, क्योंकि तभी तो इन नशे के धंधे में हमारा पकड़ होगा। मारे बचवा पे हमको भरोसा है। अगर तुम लोग साथ दो तो हम तुम लोगों का जान बख्स देंगे। कथा खत्म हो गई, चले। कहाँ, तनी फैसला तो सुनाते जाओ। देख यादव, मारी और पाउडर का 36 का आंकड़ा है। 37 का होगा तो भी हमको फर्क नहीं ना पड़ता है बचवा, बच नहीं पाओगे। भैया, आप सिर्फ होठ हिलाइए, इन्हें सलाद की तरह काट के रख देंगे। हम चाहे तो सबका पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं। कीटनाशक के बारे में सुना है? देख अपन हनीमून पे जा रहे हैं, अगर दिमाग की चर्बी पिघलाई ना तो तेरे को मून पे भेज डालेगा। और अंदर की बात, अपन को तेरे साथ कोई लोचा लपाचा नहीं मांगता। अरे हम तो खुद गुंडा लोगों से डरता हूँ, गैया का पुजारी हो भैया। तेरे ढकले में भेजा वेजा है कि नहीं? वो तो सुबह पेट अच्छे से साफ हुआ बोल के मूड अच्छा, वरना उल्टा करके तेरे पीठ पे अंडा चोकड़ी खिलता। यादव, पता था तू बीटेक्स नहीं लगाता इसलिए तेरे को खुजली होएगी। आप उन कारतूस पे बीटेक्स मलम लगा के गन में डाल के खुजली वाली जगह पे ठोक डालेगा। केसरे, अपना फरमान सुना इसको, अपने को बहुत हल्के में ले रहा है। एक बार स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो गया, अपन ने प्रिंसिपल को पेंसिल घुसा दिया। सिस्टम चेंज होएगा नहीं, जितना इलाका तेरे को दिया उतने में खुश रहे, वरना बचपन में पेंसिल घुसाता था, अभी कुफ्ती घुसाएंगे। चल मारे यूपी बिहार से आके अपन के ऊपर शान पट्टी कर रहे।